शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो देश भी छोड़कर चली गई, लेकिन अब भी बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने वाले अब क्या चाहते हैं? उपद्रवी अब क्यों तोड़फोड़ मचा रहे हैं? वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आरक्षण की आड़ में बांग्लादेश में खतरनाक खेल रचा गया। बांग्लादेश में हुए इस बड़े खेल में वहां के सेना प्रमुख की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वकार उज जमान ने 1.5 महीने पहले ही 23 जून को 3 साल के लिए बांग्लादेश के सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला था। ऐसे में वकार उज जमान के सेना के कार्यभार संभालने के 1.5 महीने के भीतर ही वहां सत्ता पलट जैसी बड़ी घटना हो गई। बांग्लादेश में हुए इस सत्ता पलट जैसी घटना में अब दूसरे देशों का भी रोल खुलकर सामने आ गया है। बांग्लादेश में हुए इस बड़े खेल में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन सबसे बड़े किरदार हैं। बांग्लादेश की घटना में सेना को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशी सेना ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में देखा जाए तो प्रदर्शनकारियों को अप्रत्यक्ष तौर पर सेना की तरफ से ये छूट थी कि वो तोड़फोड़ और उपद्रव कर सकें। बांग्लादेश में हुई इस घटना में जमाते इस्लामी के छात्र संगठन ने लोगों को भड़काने और सड़क पर प्रदर्शनों में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जमाते इस्लामी के छात्र संगठन ने ही शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामी छात्र शिविरों के कई कैडर भर्ती किए गए थे। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का पूरा काम शुरू किया गया। आरक्षण के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामी छात्र संगठन के ही थे। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर ने चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से आंदोलन को हिंसक बनाने में अहम भूमिका निभाई। जमाते इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती रही है। इसके छात्र विंग ने सड़क पर आंदोलनों को भड़काकर हिंसक बनाने और हसीना की जगह पाकिस्तान और चीन के पक्ष की सरकार लाने के लिए काम किया है। इसके लिए इस संगठन को चीन और पाकिस्तान की तरफ से पूरी मदद मिल रही थी। बांग्लादेश में खराब स्थिति के बीच भारत ने सीमा पर अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है।